उसका कुछ खास ग्राफिक्स नहीं है जैसा GTA का था, GTA 5 का। इसमें कुछ प्रॉब्लम है, जस्ट लाइक वॉश आउट टाइप लग रहा है पूरा। इसको मॉड करके चेंज करके देखते हैं कि इस ग्राफिक्स को क्या किया जा सकता है रीशेड मोड से। Mafia 3 को मॉड करने के लिए हम लोग कुछ फाइल की जरूरत होगी, इसे हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। सबसे पहले गूगल ओपन कीजिए, उसमें रीसेड RESHED रीसेड इस वेबसाइट पे जाएंगे। जिसे सेटअप को डाउनलोड कर लेंगे। ये हमारा फाइल डाउनलोड हो चुका है, इसको डबल क्लिक करके ओपन करते हैं। यहाँ पर ये पूछ रहा सिलेक्ट गेम, गेम को डायरेक्टरी दिखाते हैं। ऐसे मैंने सेव कर रखा है, एफ गेम्स माफिया 3, माफिया 3 को ओपन कर लेना है और इसको डायरेक्ट 3D 10+ पे रखेंगे। और यहाँ पर ये डाउनलोड करने का पूछेगा, यस। थोड़ा टाइम लगेगा डाउनलोड होने में, मैं थोड़ा वीडियो को पॉज कर देता हूँ यहाँ पर। डाउनलोड होने के बाद हम लोग माफिया 3 को ओपन करते हैं। ये देखिए ऊपर जो दिखा रहा कि लोडिंग इफेक्ट्स, थोड़ा सा टाइम लगेगा। बस 3, 2, 1। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शिफ्ट F2 प्रेस करना है हम लोगों को। अब यहाँ पर करना ये है कि एक सेव कर लेना है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये नाम है, जरूरी डालना है माई प्रीसेट्स, MYPRESET माई प्रीसेट्स करके इंटर कर देना है। बाकी का कंटिन्यू कर देते हैं हम, फिनिश। गेम को एग्जिट करने के बाद हम एक ये फाइल हम लोगों को डाउनलोड करना है, इसको जस्ट कॉपी कर लेंगे। यहाँ पर ये 4.3 KB का फाइल है, इसको ओपन कर लेते हैं। इसको हम डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं इजी के लिए। ये हमारा फाइल डाउनलोड हो गया, ये रहा हमारा फाइल। अब इसको डबल क्लिक करके ओपन करेंगे, ठीक है। जहाँ पर ये हमारा माफिया 3 का डायरेक्टरी है, इसको ओपन कर लेंगे। जस्ट ये दोनों फाइल को इस पर ड्रैग कर लेंगे। ये माई प्रीसेट्स वही है जो हम लोगों ने उस टाइम सेव किया था। कट कर लेते हैं, फिर से माफिया को ओपन करते हैं। अब देखना यह है कि ग्राफिक्स में कुछ चेंजेस होता है कि नहीं, कि वही रहता है।
ये तो अब हम लोगों को बाद में ही पता चल पाएगा। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि लोडिंग ले रहा है, शिफ्ट F2 करते हैं, सारा कुछ हम लोग का यहाँ पर क्लियर हो चुका है। ये पहले का है, जैसा कि आप देख सकते हैं कैसा दिख रहा है ये इफेक्ट ऑन होने के बाद, जस्ट ऑसम। ये देखिए ब्लर भी हट गया और पहले वाला सही में बुरा था, बहुत ज्यादा बुरा था, ये बढ़िया है।